स्मोकिंग और अल्कोहल से स्वामी जी क्या पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है, और इसके अलावा पैनक्रियाज को और कौन कौन सी गलत आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं जिसको आज से ही छोड़ देना चाहिए? तंबाकू की आदत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अल्कोहल जो है, ये मैं कहा ना, पित्त बढ़ने से पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, और इसका एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, और इसमें बहुत भयंकर असह्य वेदना पीड़ा होती है। तो जितनी भी तीखी तरी चीजें हैं, जितना भी अल्कोहल और बाकी जो भी ड्रिंक्स हैं और बाकी भी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, तो कभी कभी खा लिया महीने में 15 दिन में तो अलग बात है, बाकी जो रोज की रोज जो है हम ये जो खाने पीने में असावधानियां रखते हैं, ये ठीक नहीं है। और रोज हमारे साथ कम से कम पवन मुक्तासन एक बार कर लें। दो आसन तो इजी है, मंडूक आसन बैठ करके बताया था, लेट करके ऐसे पवन मुक्तासन, और इसको कपाल भाती के साथ कर लें। मेरे साथ जितने भी यहाँ भाई बहन देख रहे हो, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से पेनक्रियाटाइटिस था, किसी को डायबिटीज थी, किसी को कोलाइटिस था, उन्होंने ठीक कर लिया, मात्र सारी दवाइयां बंद कर दी, एलोपैथी की, शुगर की, इंसुलिन बंद कर दिया, और शुगर नॉर्मल है। तो ये रोजमर्रा की बात हो गई है कि हम डायबिटीज के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक कर रहे हैं, पेनक्रियाज की सूजन को मिटा रहे जिसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं, इससे आंतों की सूजन भी मिटाते हैं जिसको कोलाइटिस कहते हैं, पेट के अंदर भी सूजन आ जाती है जिसको फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस कहते हैं, उसमें फैट की लेयर भी तैयार हो जाती है फैटी लीवर में, लीवर सिरोसिस में थोड़ा लीवर डैमेज होना भी शुरू हो जाता है, फेफड़े की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, स्किन की जो सूजन आती है इसको सोराइसिस कहते हैं, ये और हड्डियों में जो सूजन आ जाती है उसको अर्थराइटिस कहते हैं, हड्डियों में और अंदर नस नाड़ियों में, और ये सारी चीजें जिसमें ये इसी से लगता है ना, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, उसका इलाज केवल योग आयुर्वेद में है स्वामी जी। वही आज हम सिखा रहे हैं कि धीरज के साथ आप पवन मुक्तासन।